एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सरेनी क्षेत्र के ग्राम पोस्ट सिद्धौर तारा का जहां शमशान घाट जाने का मार्ग अवरुद्ध है, बताते चले कि शैलेंद्र प्रताप पुत्र गुरुदीन ग्राम सिद्धौर तारा के निवासी है, जिन्होंने शमशान घाट जाने के मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध रखा है। मार्ग में ट्रैक्टर आदि वहां से नहीं निकल पाते। सरकारी नाले के ऊपर घर बनाकर खंजा तक दीवार बना रखी है, जिससे ट्रैक्टर में शव रख शमशान घाट जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ बिजली का पोल है तो वहीं दूसरी तरफ दीवार और आगे की ओर कुएं का चबूतरा है। कोई कुछ कहता है तो आमदा पर उतारू हो जाते हैं। नाले को 50 मीटर तक पटीशन कर रखे हैं, जिसकी सफाई नहीं हो पाती, गंदगी भरी रहती है, कुत्ते बिल्ली उसी में मर जाते हैं और बदबू आती रहती है। इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। रायबरेली से जिला संवाददाता अभय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोजनी पांडे है, मैं ग्राम पोस्ट सिंगौर तारा की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है? समस्या गुरुदीन मास्टर सिंगौर तारा के जो रहने वाले हैं, वो सरकारी नालों पे मकान बना लिया है और मिट्टी जो है शमशान घाट जो सौ जाते हैं, उन गाड़ी जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपका सावित्री देवी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि कहीं मिट्टी जाती है तो रास्ते में प्रॉब्लम होती है, उधर जाने का मिट्टी नहीं निकल पाती है। शमशान घाट जाने का कोई रास्ता क्लियर है? नहीं, इधर इनका शैलेंद्र कुमार का घर है, इससे दिक्कत होती है जाने आने में, बड़ी परेशानी होती है। खंभा अड़ जाता है, उधर दीवार है, दीवार अड़ जाती है तो मिट्टी निकलने में बहुत परेशानी होती है।